हेलो फ्रेंड्स, सिस एडमिन लर्निंग चैनल में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज, और आज हम जानने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि आप किस तरीके से अपने सर्वर को ना यूज़ करके बल्कि क्लाइंट को यूज़ करके कैसे एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो मैं अपने सर्वर पे आ गया हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये सर्वर है और यहाँ पे विंडोज़ का क्लाइंट है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक यहाँ पे बताऊँगा, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ देखते रहिए एंड तक। तो देखिए, विंडोज़ 10 वाला जो सिस्टम है, इसको मैं एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर बनाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें RSAT इंस्टॉल कर लेते हैं। तो RSAT देखो, गूगल पे जाइए, सर्च में जाइए और यहाँ लिख लीजिए डाउनलोडिंग, डाउनलोड RS80 फॉर विंडोज़ 10। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट वाले पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोडिंग मांगेगा और यहाँ आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। तो RS80 64 बिट वाला आपको लेना है। तो एक फर्स्ट वाला ये X64 लिखा है, यानी 64 बिट वाला है ये। ठीक है, ये दोनों 2016 के लिए हैं, तो इसको आप ना लें। ये आपके 2012 के लिए हैं, तो फर्स्ट वाला लूँगा मैं। नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको सेव कर लीजिए। तो जब तक ये डाउनलोड होता है, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया है X64 बिट। यहाँ पे RS80 आ चुका है, बस इसे ओपन करना है। यहाँ पे ये देखिए लिखा आ रहा है, विंडोज़ अपडेट स्टैंड अलोन इंस्टॉलर। अभी इंस्टॉल होने जा रहा है। तो ये जस्ट एज ए अपडेट यहाँ पे इंस्टॉल होगा, और उसके बाद क्या है, एडमिन प्रोग्राम्स में अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे अपडेट कर दीजिए यस। अब इसके विंडो अपडेट हो जाएगा।
इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। अब ये एक्चुअल इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है इसकी। कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा ये। जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुकी है। इसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे हम रन में आ जाते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे APP, APP विज डॉट CPL और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ आ जाते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है इसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट एक बार आप इसको रीस्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों रिस्टार्ट होने के बाद हम फिर से आ चुके हैं एडम प्रोग्राम्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विसेज, इस ऑप्शन पे हम टिक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। अब ये एक्टिव डायरेक्टरी के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको इंस्टॉल कर देगा और ये फीचर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे।
उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए आप एक्टिव डायरेक्टरी के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। एक्टिव डायरेक्टरी यूज इन कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, क्लस्टर, DFS, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, DSCP, ठीक है, फेल ओवर क्लस्टर, एक्टिव डायरेक्टरी लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विसेज, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे आपके। अब देखिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। अब देखो ये सर्वर है, इसको मुझे कॉन्फ़िगर करना है एज ए एक्टिव डायरेक्टरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, ADDS इंस्टॉल करने के लिए। तो जस्ट मैं ADDS इंस्टॉल करूँगा इससे वाया पावर शेल। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या इसके अंदर लिखा है। मैं यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करूँगा जिसका नाम है नीरज.com, और यहाँ पे फॉरेस्ट फंक्शन लेवल होगा सर्वर 2012 R2, और NTDS की लोकेशन होगी सी विंडोज़ NTDS के अंदर। सिसवॉल की लोकेशन भी सेम जगह रहेगी, ठीक है। और इस तरह से मैं ADDS इंस्टॉल करूँगा इसके अंदर। तो बस जस्ट यहाँ पे मुझे रन विद पावर शेल इस स्क्रिप्ट को चला देना है बस। तो जैसे आप स्क्रिप्ट को चलाओगे इसमें यहाँ पे यस कर देना है इसको एग्जीक्यूशन पॉलिसीज इनेबल करने के लिए, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालना है आपको सेफ मोड का, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। अब ये AD इंस्टॉल होने जा रही है, ये पावर शेल के थ्रू हो रही है AD इंस्टॉल। तो अगर आप GUI में इंस्टॉल करना देखना चाहते हैं तो मेरे अदर वीडियोस को देख सकते हैं। ये प्रीरिक्विजिट्स को चेक किया इसने, अब न्यू फॉरेस्ट ऐड हो रहा है देखिए। ये सारे काम बैकग्राउंड में कर लेगा जितने भी काम है इसके, जैसे IP वगैरह टेस्ट करना, लैन कार्ड को चेक करना, ठीक है, DNS को चेक करना, ये सारी चीज़ें चेक करता है। अब यहाँ पे नीरज.com जो डोमेन है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉरेस्ट क्रिएट करेगा, फॉरेस्ट में नया रूट डोमेन बनाएगा। अब ये DNS इंस्टॉल हो रहा है इसमें, DNS इंस्टॉल हो रहा है, हो चुका है। इसके बाद अब ग्रुप पॉलिसी कन्फिगर्ड होगी। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, अभी ये एक्टिव डायरेक्टरी के डिफरेंट पार्टीशंस बन रहे हैं यहाँ पे। और ये जितनी भी सारी सेटिंग्स ले लेगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम इस पर काम कर सकते हैं। अब LSA पॉलिसी जो है क्रिएट हो रही है इसकी, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी कन्फिगर्ड हो रही है और डोमेन सिक्योरिटी अथॉरिटी में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे मशीन पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट हुई है, सिसवॉल वगैरह क्रिएट हुआ है, NTDS क्रिएट हो चुका है।
डीएनएस सर्वर सर्विस कॉन्फ़िगर हो रही है। बस थोड़ा सा टाइम और लगाएगा ये इंस्टॉल होने में। हो चुका है, अब ये दोस्तों रिस्टार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा ये, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ये देखिए रिस्टार्ट हो गया। रिस्टार्ट होने के बाद हमारा डोमेन कंट्रोलर रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम इसको डोमेन ज्वाइन करा लेंगे इस वाले पीसी को, विंडो 10 वाले पीसी को। जब तक ये रिस्टार्ट होता है वीडियो को पॉज करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, तो ये डोमेन कंट्रोलर हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे देखिए चेक करते हैं। आईपी एड्रेस हमने चेक किया है इसका, आईपी कॉन्फ़िग आईपी एड्रेस इसका है 192.168.5.129। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं डोमेन जो इंस्टॉल हुआ उसका क्या नाम है। तो इसके लिए लोकल सर्वर पे जाएंगे और चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है डोमेन neeraj.com, यानी कि जो हमने डोमेन बनाया था वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और अब हम क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन कराने जा रहे हैं। तो ये हमारी सर्वर की आईपी है 5.129 और यहाँ पे विंडो 10 की आईपी है 128। तो यहाँ पे देखिए इसके नेटवर्क कार्ड में यहाँ पे डीएनएस सर्वर की सेटिंग डाल देते हैं। ये देखिए अब इसको डोमेन ज्वाइन कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे sysdm.cpl और चेंज ऑप्शन पे जाएंगे, कंप्यूटर का नाम डाल देते हैं win10 और डोमेन हमारा हो गया neeraj.com। ओके करेंगे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डाल देंगे। डोमेन में ज्वाइन हो चुका है, एक बार रिस्टार्ट करेंगे और
और उसके बाद लॉग इन करके देखेंगे। तो जब तक रीस्टार्ट होता है वीडियो को पॉज करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो चुका है, विंडो 10 क्लाइंट है। तो इस तरह से आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, दोस्तों हमें जाना है अदर्स में, और यहाँ पे देखिए डोमेन में लॉगिन करना है इसको। तो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करेंगे यहाँ पे, और इसके आगे डोमेन का नाम लिखेंगे और लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड डाल के, एंटर करते हैं। यहाँ लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए सर्वर मशीन पे हम जाते हैं, तो यहाँ देखते हैं एडी यूज़र इन कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर्स में ये विंडो 10 कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये डोमेन ज्वाइन कर चुका है हमारा क्लाइंट, और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर यूज़र्स बने हुए हैं काफ़ी सारे। इसमें नीरज भी एक यूज़र बना हुआ है, और यहाँ पे आप तो यूज़र बनाते ही हैं, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो विंडो 10 क्लाइंट से डायरेक्ट यहीं पे। अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम सेटअप हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, उसके बाद जो है ये लॉगिन के लिए तैयार हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पे एक यूज़र बना लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट यूज़र, यूज़र का नाम मैंने रखा है JK, पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ admin@123/add। तो यहाँ पे एक JK जहाँ का यूज़र बन के तैयार हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, आप रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे यूज़र बन के तैयार हो गया। इसी तरह से आप ग्राफिकली यूज़र बना सकते हो। मैं एक DMP यूज़र बना रहा हूँ, इसमें देते हैं यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स। ये देखिए यहाँ पर बना, इसको मूव कर देते हैं मूव यूजर्स में, यूजर्स कंटेनर में। यहाँ पे देख सकते हैं आप DMP यूजर आ गया। तो यहाँ पे हमारी विंडो 10 वाली क्लाइंट मशीन तैयार है यूज़र बनाने के लिए। तो यहाँ डालेंगे DSA.MSC, और यहाँ पे डायरेक्ट आप कमांड चला के काम कर सकते हैं। तो आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी, देखिए नीरज.com आ गया क्लाइंट मशीन पे ही, जो मैंने यूज़र्स बनाए थे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। ये देखिए JK यूज़र है, नीरज यूज़र है, DMP यूज़र है। तो यहाँ पे भी आप यूज़र बना सकते हैं, कमांड लाइन से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए नेट यूज़र, यूज़र का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ KK। ये देखिए यूज़र बन के तैयार है, रिफ्रेश करेंगे। तो यूज़र आ जाएगा यहाँ पे,
फिगर्स यहाँ पे और बना लेते हैं। डेली नाम का यूजर बनाते हैं। ये बन गया देखिए। अब एडी में जाते हैं, सर्वर पे चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, ये देखिए दिल्ली नाम का यूज़र बन के तैयार है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।